क्वेश्चन नंबर 8, लॉ ऑफ मोशन, गति का नियम। इसमें क्वेश्चन है कि एक लड़का एक ट्रेन के डिब्बे में सबसे ऊपर की बर्थ, बर्थ मतलब जो सीट होता है, ट्रेन में जाएंगे तो आपको 3 सीट देखने को मिलेंगे, एक आपका लोअर और इसके ऊपर बीच में और फिर सबसे ऊपर। तो ऊपर की बर्थ पे कोई वहाँ पर बैठा हुआ था एक लड़का, जो कि एक स्टेशन पर रुकने वाली, जो ट्रेन है वो रुकने वाली है, यानी पहले का स्पीड ज़्यादा होगा ट्रेन का और थोड़ा सा आगे जब बढ़ जाएगा, जब रुकने वाला होगा तो स्पीड ट्रेन का क्या हो जाएगा, कम जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्लो हो गया। लड़का अपने से ठीक नीचे, यहाँ से ठीक नीचे 2 मीटर की ऊंचाई पर, मैंने 2 मीटर की दूरी पर एक उसका दोस्त, सॉरी उसका कोई भाई बैठा हुआ था, उसके हाथ में, हाथ पर ऊपर से सेब गिराता है। वो क्या करता है, ऊपर का जो लड़का है वो एक सेब गिराता है इसके हाथ में, 2 मीटर के नीचे है। अब क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि सेब उसके हाथ में गिरेगा कि उसके भाई के हाथ से कुछ दूर ट्रेन के चलने की दिशा में गिरेगा, मतलब आगे गिरेगा, कि उसके बाद है कि उसके भाई के हाथ से कुछ दूर, जैसे अगर ट्रेन इधर जा रही है तो बी में था कि यहाँ ना गिर करके ये कुछ दूर आगे जा करके गिरेगा सेब। थर्ड ऑप्शन में कहा जा रहा है कि ये भाई से पीछे गिरेगा सेब, ट्रेन क्यों जा रहा है, ट्रेन इधर जा रहा है तो सेब किधर गिरेगा, इधर, ये सी कहा जा रहा है। और डी में है कि कोई नहीं गिर होगा। तो देखिए, जब हम किसी भी वस्तु को, से आप लोग एक देखे होंगे प्रैक्टिस करके, कि जब भी गाड़ी से, अगर गाड़ी चल रही होती है और जब इस पर जंप करोगे तो जंप करने के बाद क्या होता है कि जो आदमी जो गिरता है वो आगे की ओर झुक जाता है, या तो अगर कोई हम पत्थर को फेंकते हैं यहाँ से नीचे की ओर गिराते हैं तो ये आगे जा कर के इस प्रकार से पत्थर गिरता है, ठीक है, ये प्रोसेस होती है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो स्पीड इसको जाने का था गाड़ी का, वही स्पीड यहाँ पर उस पत्थर को भी प्राप्त हो जाता है। तो अब सोचना ये है कि यहाँ पर एकदम सोचना है कि जब ये गिरा रहा था उस वक्त ट्रेन का स्पीड मान लेते कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा होता, कब, जब ये गिरा रहे होंगे तब, और गिरा रहा होगा तो उस वक्त इसका क्या होगा स्पीड, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब ब्रेक लगा रहा है, जब रुकने वाली है, तो इसका स्पीड तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा मान ले के अब हो गया, तो इसका स्पीड तो नहीं बदला क्योंकि ये तो गिरा चुका था, हवा में था, तो हवा में था और ये अब कम रहा है, तो सोचिए कि कम रहा है तो ट्रेन तो धीरे 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 हो रहा है, मतलब कम जा रहा है, तो वो तो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, लेकिन ये वाला क्या होगा, 40 का स्पीड से और दूरी पर ये पहुंच सकता है, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि ये ट्रेन से, जैसे अगर यहां बैठा हुआ था तो यहां ना गिर के थोड़ा सा आगे गिरेगा, क्यों, क्योंकि स्पीड इसका ज्यादा था किसको से, ट्रेन से। ऐसा क्यों, क्योंकि ट्रेन रुकने वाली थी इसलिए। तो क्या होगा, ट्रेन के चलने वाली ही दिशा में गिरेगा लेकिन कुछ दूरी आगे बढ़ करके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, एक पांच न्यूटन का बल दिया हुआ बल एमोन द्रव्यमान के एक पिंड पर लगता है, जिससे कि 8 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन प्राप्त हो जाता है। तो सोचिए कि अगर ये द्रव्यमान होता है M1, बल लगाया गया 5 टन का, तो इस पर फोर्स कितना आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जब यहां से आ गया, A दिया हुआ है, F दिया तो M1 निकल जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि F बराबर होता है MA, तो यहां से M निकाल देंगे, F बटे A। F कितना था यहां पर, 5, और A कितना था, 8, यानी हमारा मास मिल गया 5/8 kg। दूसरा में कहा जा रहा है, तथा M2 पर जब लगता है तो 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो फोर्स हमारे पास 5 न्यूटन ही था, लेकिन अब उसका एक्सेलरेशन कितना मिल गया, 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से जब इसको हम लोग M2 निकालना चाहेंगे तो मिल जाएगा फोर्स बाय एक्सेलरेशन, अब फोर्स कितना था, 5, और एक्सेलरेशन कितना था, 24, इतना kg आ जाएगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि दोनों पिंड को एक साथ बांध देंगे, तब ये पिंड जो दोनों था, इन दोनों को हम बांध दिए, M1 और M2 को, तब कहा जा रहा है कि बांध दिए जाए तो इस बल द्वारा, तो बल कितना है, मात्र 5 न्यूटन, तो अब बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा।
तो सोचिए आपको ए बराबर ए में होता है, पूछा जा रहा है ए, तो ए बराबर कितना हो जाएगा एफ बट एम। एफ कितना आपके पास पांच, एम कितना होगा, तो एम तो आप टोटल जोड़ दीजिएगा, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ए के था 5/8 और ए के था 5/24। यहां से एलसीएम लेंगे 24, तो 3 से गुना होगा 15 और प्लस में 5 तो आएगा 20/24। तो जैसे 20/24 करेंगे तो 24 कहां जाएगा, ऊपर में, कटेगा 4 बार में, कटेगा 6 बार में, तो आंसर कितना 6 m/s², तो आंसर आ जाएगा ए। 4 क्विंटल का एक लट्ठा, कोई होगा कोई वस्तु, एक ट्रैक्टर के पीछे बंधा है। तो मान लेते हैं कि इधर ट्रैक्टर था और इसके पीछे एक लट्ठा को बांध दिया गया और इस लट्ठे का 4 क्विंटल उसका मास है। तो 4 क्विंटल का मतलब कितना होगा, 400 kg इसका मास दे दिया गया। कहा जा रहा है कि जब खींच रहा था तो इसको 2000 N से खींच रहा था कौन, ट्रैक्टर। तो हम इसके जगह पर अब ऐसे करके 2000 N लिख देते हैं। उसके बाद और पृथ्वी लट्ठे पर पी न्यूटन का घर्षण बल लगाती है, तो घर्षण बल कहां लगेगा, पीछे, और पीछे कितना फोर्स लगा रहा है, पी न्यूटन का, जिससे कि लट्ठा 2 सेकेंड में 6 m खिसक जाता है। तो ये यहां से यहां अगर 6 m जब आता है तो स्टार्ट से जो स्टार्ट कर रहा होगा तो उस वक्त यू बराबर कितना लेंगे, 0, और ये कितना सेकेंड में पहुंच रहा है, तो टी बराबर 2 सेकेंड में पहुंच रहा था। तो पूछा जा रहा है कि ये पी का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए यहां पर देखेंगे कि जब जा रहा था इधर तो कुछ फोर्स खींचने वाला भी था, जब इसको रोकने वाला है तो इस केस में हम एफ बराबर एम में जब लगाना चाहेंगे तो यहां से एफ मतलब होता है टोटल फोर्स। टोटल का मतलब क्या हुआ कि जिधर जा रहा उधर के फोर्स को प्लस लेते हैं और उसके विपरीत में माइनस। तो इधर आ रहा था इधर तो 2000 यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस में, और इधर में हो जाएगा माइनस। ये हो गया एफ का वैल्यू। एम कितना दिया हुआ था, 4 क्विंटल मतलब 400 kg, ठीक है। और एक्सेलरेशन यहां से हम निकाल सकते हैं, जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो कितना होगा, तो 2000 माइनस पी बटे 400 किसके बराबर, ए बराबर, ठीक है। अब जब चलेंगे यहां से यहां जब आ रहा 6 m तो फॉर्मूला चलते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। एस कितना दिया था 6 m, यू 0 प्लस हाफ, और ए का वैल्यू है 2000 माइनस पी बटे 400 और टी स्क्वायर था कितना सेकेंड में, 2 सेकेंड में था 2 का स्क्वायर, 1, 2 से 2 कट गया, और ये कटेगा कितने बार में, 200 से। 200 जब यहां आएगा तो 6 × 1200 हो जाएगा, और यहां है 2000 माइनस पी, पी को लेके जाते हैं इधर और 1200 की इधर, तो पी आ जाएगा प्लस में और 2000 में से 1200 घट जाएगा तो आ जाएगा 800 N। तो आंसर डी। 40 kg का एक विस्फोटक 12 m/s के वेग से जा रहा था, टक्कर के पश्चात 28 kg और 12 kg में विभाजित हो जाता है। तो देखिए एक विस्फोटक पहले से ही था, कितना केजी का था, 40 kg का, जा कितना से रहा था, तो 12 m/s से, लेकिन किसी से टक्कर हो जा रही होगी और विस्फोटक फट गया। फटने के बाद 2 टुकड़े में वो विभाजित हो गया, एक टुकड़ा 28 kg का रहा और दूसरा टुकड़ा 12 kg का रहा, जिसमें कहा जा रहा है कि यदि टक्कर के बाद बड़े टुकड़े का वेग 0 हो गया, मतलब अब ये नहीं जा रहा, ये रुक गया, तो छोटे टुकड़े का वेग बताइए कितना होगा। देखिए इस पर कोई हथौड़ी लेकर फोड़े नहीं गया था, ये अपने आप विस्फोट हुआ, अपने आप विस्फोट हुआ, मतलब इस पर नेट फोर्स शुरू में कितना था, 0। जब नेट फोर्स 0 होता है तो उस केस में हमारा संवेग हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा बदलता नहीं है, इसका मतलब संवेग संरक्षण का यहाँ पर थ्योरी चलेगा। तो संवेग संरक्षण में क्या होता है कि इनिशियल का वेग संवेग और फाइनल का संवेग बराबर होता है। तो संवेग शुरू का कितना होगा, तो संवेग का होता है मास गुने वेलोसिटी, और यहाँ चलते तो मास गुने वेलोसिटी, और फिर एगाव के लिए मान होता मास गुने वेलोसिटी। पहले वाला का मास कितना था, 40 था, वेलोसिटी था 12। पहले वाला दूसरे वाला का मास 28 था लेकिन वेलोसिटी कितना हो गया था, 0, और इसके लिए हो गया 12 और वेलोसिटी भी, जो कि निकालना है, इसका तो काम खत्म हो गया। अब कटेगा तो 12 से 12 क्या हो गया, कट गया, तो भी बराबर कितना मिल रहा है, तो भी बराबर यहाँ पे 40
मीटर पर सेकेंड मिल रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा सी। 10 ग्राम भार की एक गेंद एक कठोर सतह पर उद्वादा रूप से 5 मीटर पर सेकेंड से गति से टकराती है। कोई गेंद होगा और उद्वादा रूप से मतलब ऊपर की ओर, तो मान लेते हैं कि यह ऊपर में कोई सतह होगा और इस पर जो बॉल जाके टकरा रही है वो कितना से टकरा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। जितना से टकराती है उसी गति से वापस हो जाती है, मतलब अब ये वापस भी हो रही है तो 5 मीटर पर सेकेंड से ही वापस हो रही थी। और गेंद जब संपर्क में आ रहा था तो कितना समय के लिए आ रहा था, तो 1/100 सेकेंड के लिए संपर्क में आ रहा था। तो पूछा जा रहा है कि ये कितना इस पर फोर्स लगाया होगा। तो देखिए, अगर ऊपर की ओर हम प्लस मानते हैं तो ये शुरू का स्पीड होगा और ये अंतिम का स्पीड होगा, ठीक है। तो जानते हैं कि औसत बल, अगर हम यहां पर फॉर्मूला देखें औसत बल, तो फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम यानी संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, और बटा में होता है समय। तो संवेग में परिवर्तन मतलब फाइनल संवेग में से इनिशियल संवेग घटाएंगे और बटा में समय लिखेंगे। तो देखिए, फाइनल संवेग निकालना चाहेंगे तो मास गुने वेलोसिटी, तो दोनों में तो मास वही रहेगा, बॉल तो वही था और वेलोसिटी वही है, लेकिन हम ऊपर प्लस लिए तो आने वाला ये था, तो इनिशियल था और ये फाइनल, तो नीचे की ओर क्या होगा माइनस, इसलिए यहां पर क्या लेना पड़ेगा एम भी। दोनों का वैल्यू सेम है भी का, इसलिए हम भी मान लेते हैं, ठीक है। माइनस इसके लिए और ऊपर की ओर प्लस माने, इसलिए हमको चेंज साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। और दोनों का भी क्या था सेम था, इसलिए हम इसे ले लिए। टाइम कितना था 1/100। अब देखिए माइनस एम भी, माइनस एम भी कितना होगा माइनस 2 MV, और बटा यहां पर क्या रख दे ऊपर में 100 गुना करते हैं, क्यों नीचे से कहां जाएगा ऊपर में। अब यहां से आएगा माइनस 2, एम कितना था 10 ग्राम, तो 10 और ग्राम के जगह पे 10^-3 kg आ जाएगा। अब वेलोसिटी कितना था 5 मीटर पर सेकेंड, 5 से गुना करेंगे इधर में कितना था 100। तो देखिए 3 0 यहां पर और ये 3 0 से कहा हो जाएगा कट जाएगा, तो यहां से आएगा 5 × 10 माइनस में 10 न्यूटन, लेकिन माइनस में नहीं दिया, यहां पर है सारे के सारे पॉजिटिव में, तब यहां पर हम आंसर कौन हो जाएगा 10 न्यूटन। 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली, जैसे कि एक गोली होगा, इसका स्पीड कितना है 400 मीटर पर सेकेंड और इसका मास कितना दिया गया है 10 ग्राम। ये बेग चलती हुई 900, जब ये चल रहा था तो यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ था और इस ब्लॉक का था 900 ग्राम द्रव्यमान और ये रुका हुआ था, तो इस पर जैसे ही लगती है तो ये गोली इसी में आके घुस जाती है। तो घुसने के बाद तो सोचिए ऐसे कि शुरू में चल रहा था और शुरू में एक ब्लॉक ऐसे ही 900 ग्राम का रखा गया था, लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पर गोली इस पर लगा तो अब फाइनली ये गोली जाकर के इसी में पेनेट्रेट कर गई, घुस गई। तब बताइए कि इसका स्पीड कितना होगा वाट। तब बताइए एक बात, यहाँ से क्वेश्चन है कि जब ये 900 ग्राम पहले से था और 10 ग्राम जाकर के घुस जाएगा तो टोटल इसका वेट कितना हो जाएगा 910 ग्राम। तो अब यहाँ पर स्पीड था कांस्टेंट दिया हुआ, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो जिससे के कारण से फोर्स जीरो होगा, तो बाहरी बल जब ना लगता है तो संवेग हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इस हिसाब से लिखेंगे कि इनिशियल संवेग बराबर फाइनल, जब इनिशियल लिखेंगे तो मास इंटू वेलोसिटी इसका और इनिशियल है मास इंटू वेलोसिटी इसका, क्योंकि ये चल रहा था, ये रुका हुआ था, तो ये पहला फेज में था, जब लगने के बाद ये टकराने के बाद ये क्या हुआ इसमें घुस गया, तब ये हो गया फाइनल स्टेज। तो इनिशियल में चलेंगे तो मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना था 10 ग्राम, ग्राम के 10^-3, वेलोसिटी कितना था 400 बराबर सॉरी प्लस, इसके चलेंगे तो 900 × 10^-3, लेकिन रुका हुआ था तो कितना हो जाएगा 0, तो इसको हम छोड़ देंगे बराबर। यहां से हो गया मास और ग्राम में था 10^-3, केजी बदल गया और स्पीड पूछा जा रहा है। तो जैसे ही यहां पर हम यहां से ये तो काट देंगे, यहां से 0 से 0 काट देंगे, तो बचा कितना 400 और नीचे में 91 किसके बराबर भी बराबर, कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आएगा 4.39 मीटर पर सेकेंड।
तो आंसर कितना हो जाएगा सी। 25 केजी का बम का गोला, तो ये मान लेते हैं बम का गोला 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, कितना केजी का है 25 केजी का। ये अचानक फट जाता है और फटने के बाद ये दो टुकड़ा में बट जाता है, एक 15 केजी का और दूसरा 10 केजी का। तो ये 15 केजी का टुकड़ा क्या है कि शून्य रह जाता है, मतलब ये जा नहीं पाता, ये रुक गया। तो पूछा जा रहा है इसका वेग कितना होगा, तो फिर इसमें क्या करेंगे संवेग संरचना लगाएंगे। तो इसका संवेग निकालना चाहेंगे तो मास हो जाएगा और स्पीड कितना होगा 10, किसके बराबर होगा इसके बराबर, तो मास गुने वेलोसिटी, 10 से 10 खत्म तो भी कितना जाएगा, तो 25 मीटर पर सेकंड। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे भी बनाए थे, ठीक है। 150 केजी की तोप से 1.5 केजी का एक गोला दागा जाता है जो 60 मीटर पर सेकंड के वेग से निकलता है, तोप के पीछे हटने का वेग। देखिए शुरू में क्या होगा कि एक इतना बड़ा मान लेते हैं तोप होगा जिसका कितना केजी था 150 केजी था, रुका हुआ रहेगा, लेकिन जैसे ही इसको दागा गया तो इसमें से एक क्या निकला, गोला निकला, कितना का 1.5 केजी का। तो 1.5 केजी का गोला निकला जिसका बताया जा रहा है कि इसका वेग हो रहा 60 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये निकलेगा आगे तो तोप भी बचेगा, अब तोप बचेगा तो उसका स्पीड पूछा जा रहा है कि कितना से पीछे हटेगा। तो देखिए इसका मास कितना होगा 150 केजी, लेकिन देखते हैं पॉइंट में है तो हमें लगता है कि जब इसमें से 1.5 केजी निकल चुका है तो इसमें आना चाहिए 148.5 केजी, ठीक है। देखिए ऐसा करते हैं कि 150 के अपेक्षा जो यह ना लिया नहीं है, यहां पर 150 ही मानिए, इसे 150 लीजिए क्योंकि आपका ये लेवल थोड़ा सा लो है, ज्यादा हाई लेवल नहीं है। लेकिन अगर इसको देखते तो देखिए ध्यान से क्या देखते कि 150 केजी तो पूरा तोप के अंदर ही गोला होता ना, जब गोला निकलता तो 150 केजी जो होता तोप का जो मास उसमें से तो 1.5 किलो निकल जाता, यानी वो होता। लेकिन यहाँ पर जब बनाया जाएगा तो ऑप्शन मिलाने के लिए यहाँ पर 150 केजी ही लेना पड़ेगा। तो अब देखिए जब ये नहीं चल रहा था तो इस वक्त तो मास इसका तो मिल रहा है कि 150 केजी मास है, लेकिन स्पीड कितना होगा इसका 0। यहाँ पर जब देखेंगे तो मास तो 1.5 केजी है और इसका स्पीड भी कितना दिया हुआ है 60 मीटर पर सेकेंड प्लस, और इसका देखेंगे तो 150 और स्पीड इसका पूछा जा रहा है, इसको इधर लाएंगे तो कितना आएगा 150 भी बराबर 15 × 6 = 90, यानी यहाँ से आ जाएगा 90 माइनस में, ठीक है। जैसे आता है तो इसको काट देंगे, यहाँ से भी बराबर आएगा -9/15, काटेंगे 3×3 = 9 और यहाँ से 5 एंड 0.6 माइनस में आएगा। माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि हम माने इधर, लेकिन ये कहाँ जाएगा पीछे, और ऐसे बोला गया था पीछे हटने का वेग बताइए, तो कितना आएगा 0.6 आंसर सी। 3×10^7 केजी सहती का एक पानी जहाज, मतलब पानी जहाज का पूरा हम ये द्रव्यमान ले लेते हैं जो कि प्रारंभ में विरामावस्था में, मतलब उसका युग्मन कितना होगा 0। इतना के बल से 12 मीटर दूरी तक खींचा जाता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लेके जाते हैं, कितना बल लगा जा रहा है 12 न्यूटन का। यहाँ से हम इसको त्वरण निकाल सकते हैं कैसे, तो F/M, F कितना था 12, M कितना था 3×10^7, सॉरी फोर्स था 5×10^4 था, तो फोर्स कितना था 5×10^4, ठीक है। और यहाँ पर मास दिया हुआ था 3×10^7, जिसको कैलकुलेट करते तो यहाँ पर 3 भागा देंगे तो कितना बार में आएगा, तो थोड़ी नहीं पता है कितना आएगा, इतना रहने देते हैं। अब माइनस में कितना जाएगा 3 m/s², ये क्या था एक्सेलरेशन यानी त्वरण। आपको चाहिए भी, तब भी स्क्वायर और फॉर्मूला जानते हैं E² + 2a, जब ये जानते हैं तो आपको भी चाहिए था, तो भी बराबर क्या होगा स्क्वायर रूट U², तो U कितना आपका 0, मतलब खत्म हो जाएगा 2, A का वैल्यू कितना है 5×3 और बटा 10^-3, A हो गया, S कितना दिया था 12 न्यूटन, देखिए 12 मीटर, यहाँ से कट जाएगा 4 बार में, 4×8 = 40, यहाँ से होगा 40×10^-3,
अब ये क्या करते हैं, एक जीरो से काटेंगे तो माइनस में दो बचेगा। तो देखिए चार का तो दो निकलेगा और टेन पर माइनस वन निकलेगा क्योंकि माइनस टू था, यानी यहाँ से मिल रहा है दो बटे दस, यानी आंसर कितना होगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर कौन हो जाएगा, ए। दो गोले, एक गोला है कितना 20 केजी का और दूसरा गोला है 80 केजी का, जिसका एक का 40 मीटर पर सेकेंड और दूसरा गोला है 80 केजी का जिसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, एक दूसरे की तरफ यानी इधर आ रहा था। तो जब आ रहा था टकरा गया, टकराने के बाद कहा जा रहा है कि दोनों मिल करके एक में जुड़ जाते हैं, तो दोनों मिला के एक सिस्टम होगा, तो दो न रख करके हम इसको एक और रख लेते हैं, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि जब ये टकराएगा, ठीक है, तो बताइए कितना स्पीड अब इसको हो जाएगा, तो दोनों मिला के कितना केजी हो जाएगा। तो सोचिए 20 केजी यहाँ से 80 केजी यहाँ से, तो टोटल मिला के 90 केजी हो जाएगा। और आपको क्या पूछा जा रहा है, हाँ 20 और 80 कितना 100 केजी, तो यहाँ पर हम 100 केजी लिख देते हैं। पूछा जा रहा अभी, तो सोचिए अगर हम इधर की ओर प्लस माने, इधर वाला क्या होगा माइनस, इस केस में क्या होगा पी आई बराबर पी एफ, इसका स्पीड कितना होगा एम, सॉरी मास गुने वेलोसिटी, मास है 20 और स्पीड है 40, लेकिन ई वाला इधर आने की वजह से माइनस में लेना पड़ेगा और इसका मास है 80 और स्पीड है 10, बराबर कितना होगा 100 गुने बी। तो देखिए 4 दुना 8 यानी 800 हो गया यहाँ से और 800 यहाँ से हो गया, जब यहाँ से 800 तो 100 गुने बी, तो यहाँ से कटने के बाद कितना हो गया 0, यानी स्पीड बराबर कितना मिल रहा था 0, यानी आंसर कौन हो जाएगा नन। तो यहाँ से अब आज का इतना ही तक रहने देते हैं 17 तक, तो नेक्स्ट डे हम लोग फिर आगे चलेंगे। तो जहाँ तक देखिए निकालने का ये वजह ऐसे होगा कि अब क्या करेंगे जा करके, कि एक बार तो आप लेक्चर को देख लिए, आप इसको फिर से एक बार इसका अपना मन से बना करके देखना है, ठीक है, बुक को, ये बुक को अगर जहाँ पे प्रॉब्लम हो तो फिर से आप उस चीज़ को देखिए, तब आपको क्लियर होगा, क्योंकि अभी ये आसान चैप्टर चल रहा है, जैसे इसके बाद अभी और आगे चलेगा तो आपको फिर थोड़ा सा टफ होते जाएगा, और ऐसे तरह से लगता होगा क्वेश्चन देखने के बाद कि हाँ सोल्यूशन देखने के बाद कि तो आसान था, ऐसे करते बन जाता, लेकिन बनाने जब बैठेगा तो आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसी चीज़ को देख करने के लिए, ठीक करने के लिए पुनः आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज इतना ही तक रहने देते हैं।